शिवांशी गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोसाइंस अरीना। सो आज के इस वीडियो में हम किसी चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीबीएसई ने एक नोटिस निकाला है। अब वो नोटिस है क्या, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, इस साल यानी कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से जो स्टडी है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो काफ़ी लॉस में जा रही है, जिसकी वजह से स्कूल्स भी नहीं खुल पा रहे हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए सीबीएसई ने एक नया नोटिस निकाला है क्लास 9th to 12th बच्चों के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे इस सर्कमस्टांसेस को देख के कि काश हमारा सिलेबस कम हो जाए या कुछ ऐसा रूल हो जो उनके फेवर में हो। तो मे बी आपकी सीबीएसई ने सुन ली है और क्लास 9th to 12th बच्चों के लिए 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो बायोलॉजी में टोटल 10 यूनिट है, जिसमें कि 5 यूनिट 11th क्लास की हैं और 5 यूनिट 12th क्लास की हैं। तो 11th क्लास के सिलेबस में भी रिडक्शन हुए हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले हम यूनिट 6 की बात करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बिल्कुल हटा दिया गया है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये सब आपका बिल्कुल हटा दिया गया है। और जो नेक्स्ट 3 चैप्टर हैं इसमें, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर आपको फुल्ली पढ़ने हैं। इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। और इस यूनिट का जो पहले वेटेज था वो 14 था और अब भी सेम रहेगा, यानी कि 14 ही रहेगा। अगले यूनिट की बात करते हैं हम, यानी कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। तो इसमें भी एक चैप्टर को बिल्कुल हटा दिया गया, यानी कि चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन को बिल्कुल हटा दिया गया। इसको आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन चैप्टर नंबर 5 और 6 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर आपको फुल्ली पढ़ने हैं। और इस यूनिट यानी कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन का भी वेटेज सेम रहेगा, यानी कि जितना पहले 18 था और अब भी 18 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8 यानी कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की। तो इसमें चैप्टर नंबर 9 यानी कि स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको हटा दिया गया है, यानी कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये काफी इजी चैप्टर था, स्कोरिंग भी कह सकते हैं हम इस चैप्टर को। पर इसके चैप्टर 8 यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये दोनों चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये यूनिट में 2 चैप्टर हैं, दोनों ही आपको पढ़ने हैं। इसमें कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो यूनिट है आपके लिए ये एकदम न्यू यूनिट है और इसमें आपको काफ़ी सारी नई टेक्निक्स के बारे में जानने के लिए मिलेगा, जो आगे जो भी तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम करोगे या बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी कोर्स करोगे तो उसमें ये ज़रूर आता है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट ये चैप्टर को नहीं रिड्यूस किया है। तो अब हम बात करें अगर इसके वेटेज की, यानी कि यूनिट 9 के वेटेज की, तो पहले 10 मार्क्स की थी, अब 12 मार्क्स की कर दी गई है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट यानी कि यूनिट नंबर 10 की। तो इसमें टोटल 3 चैप्टर थे, जिसमें कि 2 चैप्टर आपके रिड्यूस कर दिए हैं। पहला है इकोसिस्टम और नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल इशू। ये जो यूनिट थी काफ़ी स्कोरिंग यूनिट थी और क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस आते थे काफ़ी ज़्यादा आते थे। इसका वेटेज भी चेंज हो गया है 14 से अब 12 हो गया है। तो ये था हमारे क्लास 12th का सिलेबस, जिसमें पहले 15 चैप्टर थे लेकिन अब सिर्फ 10 चैप्टर रह गए हैं। तो ये था आपके क्लास 12th का न्यू सेशन यानी कि 2021 का सिलेबस, जिसमें पहले 15 चैप्टर थे लेकिन इस सेशन में आपको सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बच्चे तो खुश होंगे कि उनका सिलेबस कम हो गया, हमें कम पढ़ना पड़ेगा, तो मार्किंग स्कीम उनकी अब अच्छी हो सकती है। लेकिन इसमें मेजर लॉस क्या है कि जो आपकी नॉलेज है वो भी 30% लेस हो जाएगी। तो अगर आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जो 10th और 12th के बेस पे होगा, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बाद में पढ़ना पड़ेगा। अब सीबीएसई के हर स्ट्रीम के सब्जेक्ट में से सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% सिर्फ 9th to 12th क्लास के बच्चों के लिए। पर यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा सिलेबस के बारे में बताया है और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी कि 30% हर सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है। तो
तो उसके बारे में जानने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, सीबीएसई की ऑफिशियल लिंक है। चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हों या साइंस स्ट्रीम के बच्चे हों, हर सब्जेक्ट्स के बारे में उसमें मिल जाएगा आपको। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा।